इतना पसीना आपको आया हुआ है, क्या बात है, एसी क्यों बंद पड़ा हुआ है? उस्मान ने एसी दिखाए, राशिद महमूद साहब के घर में जनाब एसी बंद पड़ा और गर्मी के अंदर फिर क्या वजह, क्यों मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं थी मैं इसके तरह। बेटा ये जो तुमने अंडी मेरी लाइटें जला दी, इनको बंद करो, अपनी लाइट जलाओ। मेरे पास बेटा कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जो मुझे कहीं से हवाई तौर पे आया हो, मैं पहले बिल का रो रहा हूँ। आपके एहतजाज का मेन मेहवर कौन है, शिकवा किसके साथ? सबके इन अरबाब इख्तियार के साथ, इन अरबाब इख्तियार नून की हुकूमत के साथ। हुकूमत तो रनिंग हुकूमत, और कौन सी हुकूमत? शिकवे तो मुझे पहली हुकूमत से किया, हमारे काम बंद रहे उनके। तो आप क्या समझते हैं कि जो गरीब लोग हैं जो मर गए यार, तो यार मेरे अपने घर के काम वाली उन्होंने अपने बालियां बेच के जाके अपने बिल जो मेरी बेच के बिल जमा करा है। जी अरे ये कौन है वो आइंस्टाइन बैठा हुआ फिराउन जो ये सारे बजटिंग करता और इंप्लीमेंट भी कर देता। जिंदगी में मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा कि मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज और मैं हूँ बिलाल जफर। एक्सक्यूज मी बेटा ये जो तूने अंडी मेरी लाइटें जला दी, इनको बंद करो, अपनी लाइट जलाओ। मेरे पास बेटा कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जो मुझे कहीं से हवाई तौर पे आया हो, मैं पहले बिल का रो रहा हूँ। ये नहीं कि मैं मांग रहा हूँ किसी से, बिल तो दे दिया हुआ था सर, लेकिन अनड्यू लाइटें बुझा दो। मतलब ये लाइट बुझेगी तो सर बिल्कुल खत्म हो जाएगी लाइट। चलो लोगों ने अपनी लाइट जलाई। चलो मैंने बिल हैसुल कौम पहले सदमा बरसा तो तुम अब मेरे घर में गेस्ट आए हुए तो इतना सदमा मैं बर्दाश्त करता हूँ, कह रही हूँ। लेकिन आपने लाइट्स ऑफ करवा दी नाज़रीन, बिल्कुल कर दो, जला दो बेटा, जला दो। राशिद महमूद साहब के घर पे आज आया हूँ और गुज़िश्ता दो रोज पहले जो है वो राशिद महमूद साहब को मीडिया की जीनत बनाया गया कि आपके घर का बिल कितना आया, तो जब इत्तला मिली तो 45,000 और कुछ पैसे इनके घर का बिल आया, जबकि इनका बताना है कि मैं घर में इतना ज़्यादा इस्तेमाल बिजली का नहीं करता, फिर भी इतने ज़्यादा बिल भेजे जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो गए। एक सहाफ़ी ने राशिद महमूद साहब के साथ इंटरव्यू करते हुए, उस मौका पर उज़्मा बुखारी वज़ीर इत्तला'आत पंजाब भी मौजूद थी, तो उन्होंने जब इस हवाले से सवाल करना चाहा तो उन्होंने कहा कि सबका ही बिल इतना आ रहा है, तो राशिद साहब का दिल वहाँ बहुत टूटा। बिल्कुल ऐसे लेजेंड और इतने बड़े फनकारों के सामने और उनके साथ अगर इस तरह होगा तो आम इंसान का क्या हाल होगा। आज इनसे बात करते हैं, मैं इनके घर पे आया हूँ और जिस वक्त इन्हें प्रोग्राम करने के लिए कैमरामैन उस्मान ने लाइटिंग यहाँ पे अरेंज की तो इनकी लाइट्स जल रही थी, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही इन्होंने अपनी लाइटें ऑफ करवा ली कि भाई मैं ये बिल नहीं पे कर सकता। तो बात करते हैं कि इतना शदीद रंज किस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच बेटा, तुमने फैक्ट्स हैं जो सारे बयान किए एज इट इज, लेकिन उसमें मुझे ये मैं इस बिल की को ऐसा नहीं है कि मेरी को ओवर रीडिंग का मुझे बुला के भेज दिया। मैंने जितनी बिजली कंज्यूम करता कोई भी ये उसके फराइज में उसकी पेमेंट करना हम करते हैं सारी ज़िंदगी की, पानी का बिल भी देते हैं, सुई गैस का भी देते, सब कुछ देते हैं, और सुई गैस का सिलेंडर भी ला के रखा हुआ, वो बिल अगर 2000 का तो 6000 की वो भी साथ जला, क्योंकि पता नहीं कब गैस आएगी और कब चली जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं। सर ये बिल जो आया आपके घर, मैं बताता हूँ इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं जो 45,000 के ऊपर आपने इतना एहतजाज किया। मैं डिटेल बताता हूँ, एक मेरे घर में वो छोटा फ्रिज है, हर घर में है वो लाइट, जो हम घर में दो फर्द हैं, बच्चे मेरे अपने घरों में चले गए, कि मेरा चहीता अल्लाह मियाँ के पास बेटा चला गया, छोटा जो बड़ा जो है वो अपने घर में अपने काम, बेटी मेरी अपने घर में उनकी ज़िंदगी के अपने मसाइल हैं, यहाँ मैं और मेरी मिसिज और एक बच्ची है जो काम वाली सुबह आती है शाम को वो चली गई, अब हम दो फर्ज हैं। ये घर है मेरा, साथ भी बेडरूम है, ऊपर मंजिल है वो, वहाँ भी वो हम अपनी चीज़ें वीजें अपनी, हम सिर्फ उतना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत, मैं वो कोई अनड्यू बोझ बना के कि मैं बड़ा लैविश बना लूँगा, मेरा ये सारा कुछ जो मर्जी मैं बना लूँ यहीं रह जाना है, मेरे पल्ले कोई अमल होगा कोई नेकी होगी तो मैं रब के यहाँ सुरखरू होगा, वरना यहाँ भी जिल्लत वहाँ भी जिल्लत। मैंने ये सारे प्रिकॉशन रखे, आपके इल्म में है, सारी नेशन के इल्म में, दुनिया के इल्म में, कि मैं चार बार हार्ट की उस प्रॉब्लम में 2015 में, 2018 में, 2021 में और फिर 2023 में इस कदर एक हार्ड किस्म का वो अटैक था कि मेरा ये बाजू और मेरी ये टांग पैरालाइज हो गई। नहीं मतलब आपको अब काम नहीं मिल रहा, कोई ड्रामा नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं एक ड्रामा इन सालों में मैंने किया
वो भी कराची का था आपको, लेकिन मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, वहाँ बुलाया जाता है मुझसे कंसर्न में बुलाया जाता। उज़्मा बुखारी जिस वक्त वो आपके बारे में बात की जा रही थी और आप चंद कदम के फासले पर मौजूद थे, मैं साथ ही तो क्या फीलिंग्स थी कि आप पाकिस्तान की खिदमत करते रहे हैं और आप नहीं, 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 बात को अब सुन लो, अब सुन लो उस, क्या हुआ क्या उस मौके उस चैनल ने जो क्लिप लगाया वो वाला लगाया जिसमें वो एग्जिट ले रही है सबका, उससे पहले सेक्रेटरी साहब भी थे, तारक साहब भी साथ खड़े थे और भी कुछ अहबाब थे, उन्होंने मेरी तारीफ की कि राशिद साहब ये हमारे एसेट है मेरे मुल्क के, हमने इनका बहुत काम देखा ही। और फिर उन्हें सेक्रेटरी साहब से कहा कि आप ये हमारा लेजेंड है तो आप इसको कहीं, तो उसे कहा कि जी ये है हमारे साथ, हम इनसे काम वाम अपने मुख्तलिफ मोटिवेशनल जुतुब लेते हैं, तो चले कि मुझे उन पर कोई गिला नहीं है। उसको तो बहुत बड़ा इशू बनाया गया, वही हमारा ये यूट्यूब चैनल, मतलब कि उसने आपके साथ खड़े होके पूरा किया, पूरी मेरी डिग्निटी से उन्होंने ऑनर दी मुझे। कोई ऐसा जो अब उसका सवाल जो कि जी इनका बिल का ही है, तो जाते हुए एग्जिट हुई और उन्होंने कहा कि बिल तो सब कुछ ज्यादा और चले गए। आपके एहतजाज का मेन महवर कौन है, शिकवा किसके साथ है? सबके इन अरबाब इख्तियार के साथ, जो किन अरबाब इख्तियार, नून की हुकूमत के साथ, हुकूमत जो रनिंग हुकूमत है और कौन सी हुकूमत है, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। शिकवे तो मुझे पहली हुकूमतों से भी है, हमारे काम बंद रहे उनके, मुझे एक मेरी जिंदगी में किसी हुकूमत का एक प्लेयर जेस्टर है वो मैं अर्ज कर देता हूँ, छुपा नहीं रहा मैं उसे। जब मेरा ये लास्ट वाला अटैक हुआ मुझे 2023 वाला, और जिसमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और मेरे हल्का अहबाब को भी थे अल्लाह खैर करे लगता उन्हें चले अल्लाह मियाँ को, मेरे पास जो जमा चुता था वो इन सारे सालों में एक भरम भी तो है ना, जो जोड़ा हुआ था आलम पीरी के लिए, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए कि यार चलो थोड़ा सा नहीं होगा तो हमारी मरने तक ये गुजारा हमारा, वो मेरे लाखों रुपए जो मैंने हज़ार हज़ार दो दो हज़ार पाँच पाँच हज़ार करके जुड़े हुए सारे के सारे मेरे दाल रोटी पे, बिलों पे, जिंदगी से रिलेटेड दूसरे मसाइल जो उन पर खर्च हो गया, कुछ जो तीन बार मेरे बीमारियों पर हुआ, लाखों रुपये लगता है। पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, तो इस बिल के बाद जो सिचुएशन आपकी हुई, जिस तरह दिल टूटा आपका, तो आप क्या समझते हैं कि जो गरीब लोग हैं जो मर गए यार, तो यार मेरे अपने घर के काम वाली उन्होंने अपने बालियां बेच के जाके अपने बिल को, मैं उसको कोई पाउंड तो नहीं देता जो मेरी बेच के बिल जमा कराया जी, कुछ पैसे और कुछ बालियों के मिला के। अब एक गरीब आदमी है जो दो चार घरों में काम करती, अब कितने 10,000 से ज़्यादा किसी को महीने का देने की मेरी औकात नहीं, मैं तो अपने किचन में मेरी बीवी की तबीयत ठीक, मैं खुद खड़ा होकर सारा कुछ काट के तो हंडिया भी पका देता हूँ, मेरी कोई शान नहीं घटती है उसमें, मैं अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए तो मैं जी रहा हूँ। मेरी तकलीफ ये थी 29,000 रुपये उस कंजम्पशन के जितने यूनिट मेरे इस्तेमाल मुझे देने हैं, लेकिन इस 29,000 के पर यूनिट आप चार्ज क्या कर रहे हो? 200 यूनिट तक का जो है 3,300, 201 हुए तो 9,000, 301 हुआ तो 18,000, 401 हुआ तो 36,000। अरे ये कौन वो आइंस्टाइन बैठा हुआ फिरौन जो ये सारे बजटिंग करता और इंप्लीमेंट्स भी कर देता? और चलो मैं ये भी जहर पीने को तैयार था, मैंने उतने पैसे अपने बजट से अपनी कई ख्वाहिशात को ख़त्म करके रहने दो यार, जामे श्री ने भी आपकी बार कोई नहीं है, बस ये ठंडा पानी नींबू लेके आता हूँ, स्कंजबीन बनाओ चीनी बस वही पियेंगे, उसी को बना के रख लो फ्रिज, और किए भी अमली तौर पे, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में मैं हाथ नहीं फैलाऊँगा कि मर जाऊँगा, भूखा मर जाऊँगा, मुझे आती है। मैंने जिस दौर में मुझे फेम मिली है पाकिस्तान टेलीविज़न, कौन से पाउंड मिलते थे हमारी फीसों में? क्या समझते हैं इसमें कौन ऐसा इनकलाबी लीडर हमारा जो भी आए तो मुल्क के हालात बदल दे? सबके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, सबको वैसे आजमा चुके हैं, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ कहते हैं हमें करने नहीं दिया गया, तो करने नहीं दिया गया तो क्यों बैठे रहे वहाँ? मुझे जो काम मैंने नहीं करना होता मैं जो मुझसे कोई नहीं करवा सकता। हम सबके बिलीव था कि हमें अल्लाह के पास जाना और ख्वाहिश भी है कि अल्लाह भी मुझे जन्नत में लेके जाना होती है, यही है मैं हमारा मुतमईन नज़र, उसका एक हल है जो साहिब अख्तियार हैं
अरबों खरबों बिलियनर्स जो हैं सारे, और शक भी नहीं है सारे के सारे, यार अगर आप, आपकी शनाख्त आपकी जन्मभूमि है, आपकी ज़मीन है जहाँ आप सर्वाइव हुए, ग्रूम हुए, बड़े हुए, और ये सारे इख्तियार और सारा कुछ आपने बना लिया, दुनिया से उठाओ उसको, अपनी ज़मीन पे ले आओ। जो इल्ज़ाम आता है पता नहीं आपने किया ही कैसे हुआ, कि यह आप जानते हो, भैया अल्लाह भी ये जानता है। आप अपने, अगर आपने वाकई वो सारा कुछ जो है वो किया हुआ, तो रब जो है ना, कितने भी आपके गुनाह हों, आप कन्फेसेस करके अकेले बैठ के रब से कहोगे कि मालिक की गलतियाँ हो गई, आइंदा नहीं करूँगा, तो वो एक सेकंड में माफ़ कर देने वाला, ठीक हो जाएगा। सारा कुछ यहाँ ले आओ, इस पाकिस्तान में ले आओ, सारे कर्जे अदा हो जाए, कोई नहीं लाएगा, कोई नहीं लाएगा। मेरी बात से कहेंगे पागल है, तेरे वास्ते इकट्ठे किए एडा, तू मौलाना मौजूदी जी की तेरी बात मान ली है। जी बिल्कुल, ये राशिद महमूद साहब का बिल देख के मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है, और बिल्कुल हर बंदा जो है, इतने इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, सबको बिल जमा करवाने के लिए बहुत बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं। कोई अपने घर की बीवी की बेटी की बालियां बेच रहा है, और कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई हुई है। राशिद साहब, ये बिल तो आपका मैंने देख लिया 45,800, ये जून का बिल आपके पास आ गया। अभी जब जुलाई के बिल आएंगे, कहा तो यही जा रहा था, अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा था कि ये दो महीने के बिल इतने आएंगे कि आपको लग पता जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? वो गर्मी है ना, पसीना देख रहे हो मेरे घर में, पंखा भी चल रहा है, एसी बंद, ऑर्डर लगा दिया, मर जाओ यार तुम, मैं भी मर जाऊँ, अपनी बीवी से तुम भी मर जाओ, मैं ये नहीं चलाऊँगा, मैं हाथ में पिला के मांगने जाऊँगा, मुझे दुनिया भर में मैं नाम भी, कभी वक्त आएगा तुम बड़ी बड़े वो लेजेंड लिविंग लेजेंड्स है मेरे मुल्क के, कुछ अब्रॉड में कुछ सब ने राशिद हुक्म कर, अरे यार मैं भिख मंगा नहीं हूँ, काहे का मैं हुक्म करूँ आपको, आपकी ये ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत है, मेरे हाथ पैर सलामत है, अटैकों के बाद भी चल फिर रहा हूँ, काम करने के काबिल हूँ, कर भी रहा हूँ। अब तो लोग सोलर लगा रहे हैं अपनी कंजम्पशन बिजली की, सोलर बड़ा करने के लिए। सोलर बड़ा 2,500 रुपये का आ जाता है, कम अज कम एक पंखा एक बल्ब चलाने के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपया चाहिए। गरीब आदमी जो बिल देने पे जिसकी मौत होती वो कहाँ से लगाएगा? वो हुकूमत जो है ना, आप फलां फलां चीज़ें बांट रहे हो लोगों को, गरीबों को दो दो चार चार सोलर दे दो, लैपटॉप रहने दो, ले लेंगे बच्चे, बच्चे पढ़ के जब फिजिकल इम्प्लीमेंट सबने प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो पहले कदम पर डिनाइल और उनको मिलता कि अब्बा भी झूठ बकवास करते रहे और जहाँ में पढ़ के पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो यहाँ तो बॉर्डर करने नौकरी देने को कोई नहीं। सर आखिर में एक कैमरे को देख के आपने पैगाम देना है, और वो उन लोगों को देना है जो बिलों से परेशान हैं और घर की चीज़ें बेच के बिल दे रहे हैं, और दूसरा पैगाम उन अरबाब इख्तियार को देना है जो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं अपने तमाम उन अहबाब को जो मेरी ही तरह मुतासरीन, बिल तो आप भी भर रहे हैं, मैंने भी भर दिया, आगे भी आपको इर्तका जो अगर चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो खुद एहतसाबी से बड़ा जस्चर कोई नहीं है। आप अपनी ज़रूरतें आगे ही नहीं, अरे यार इसको और थोड़ा घटा लो, जीने की हद तक आ जाओ, वरना ये मार देंगे हमें, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, ना आप कर पाओगे, नहीं हो रहा। रोटी मजदूर बड़ी तनख्वाह जिसकी बड़ा कोई बेचारा होगा 30,000 रुपया, जुल्म बर्दाश्त नहीं किया करते, वो भी खुदा के यहाँ पसंदीदा और मकबूल नहीं है, जो जबर और जुल्म के सामने नहीं बोलता। मेरे इस्लाम ने ये इजाज़त दे रखी हुई, मेरे मुल्क ने ये हकूक ह्यूमन राइट्स जो है दे रखे, और आज़ादी जो है ये रब की तरफ से सबसे पहली वो एक ब्लेसिंग और एक है जो रब की तरफ से था। आप सब आज़ाद पैदा होंगे तो हमको खुदा के वास्ते आप क्यों कैद में रहते? और फिर ये है कि आपको अपने हकूक का पता नहीं है, आप अपने राइट्स के लिए मत कोई धंधा करें, मत कोई जुलूस या को, ये जो मैं उसके हक में नहीं और मैं स्नबिंग करता रहा हूँ, मीडिया भी गवाह आप कि यार ये नहीं है, हर चीज़ हमारे मुल्क की हमारी है, ये ढंगे मैं उसकी हक में, लेकिन इस हक में ज़रूर हूँ कि अपनी प्रिविलेजेस बीइंग ए पाकिस्तानी जो आपकी है, आप वो नहीं मांगेंगे तो आपको कोई नहीं देगा। फिजिकली इम्प्लीमेंट्स पे आ जाइए बिल्कुल नाज़रीन, तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी जो है वो जून का बिल लोगों को मौसूल हुआ है तो चीखें निकल गई हैं,
आगे जुलाई का और फिर उसके आगे जिस तरह लोगों को बिल आएंगे तो ना जाने लोगों की क्या कंडीशन होंगी, उनके घर में खाना पकेगा या नहीं पकेगा। अशराफिया के यहाँ और उन ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ जिनकी लाखों रुपए में तनख्वाहें और हर चीज मुफ्त है, हर चीज मुफ्त जो है वो बेनिफिट में मिल रहा है, लेकिन गरीब आदमी को कब बेनिफिट मिलेगा ये देखना है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।